हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में लेकर आ गया हूँ दिवाली क्रैकर्स स्टैश अंडर 5000 रुपीज। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्रैकर्स स्टैश है ज्यादातर यह बच्चों के लिए है गाइस। और आज की वीडियो में मैं जो भी क्रैकर्स आपको दिखाऊंगा इस स्टैश में, उनकी टेस्टिंग भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि गाइस दिवाली के अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं। तो चलिए गाइस अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने ली है ये कॉक ब्रांड की 45 सेंटीमीटर ग्राउंड चक्कर, जो कि एक ग्रीन क्रैकर है गाइस, और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है गाइस ये चकली। और बात करें इसकी प्राइस की, तो इस पर लिखे हैं 336 रुपये, और ये मैंने 140 रुपये में गाइस परचेज की है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए गाइस, इस बार कॉक ब्रांड ने काफ़ी अच्छी पैकिंग करी है। इस बार इन्हें आपको कॉक ब्रांड की तरफ से पॉलिथीन में देखने को मिल जाएंगी ग्राउंड चक्कर, जो कि कुछ इस प्रकार की होती है गाइस। गाइस ये कॉक ब्रांड की काफ़ी ज़्यादा फेमस ग्राउंड चक्कर है गाइस। तो चलिए गाइस हम इसकी टेस्टिंग वीडियो देखते हैं कि ये कैसा चलती है। तो जैसा कि गाइस आपने देखा, ये जो है चक्कर आपको ग्राउंड चक्कर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चला था। तो चलिए गाइस अगला आइटम देख लेते हैं। तो अगला आइटम है गाइस ये हमारा ये अनार वॉर्म, जो कि आता है अम्बे ब्रांड की ओर से। गाइस बात करें इसके प्राइस की, तो इस पर प्राइस लिखा है 300 रुपये, लेकिन मैंने इसको 100 रुपये में परचेज किया है, क्योंकि गाइस ये एक ऐसे ही लोकल ब्रांड है, लेकिन काफ़ी अच्छा चला यह भी 100 रुपये के हिसाब से, क्योंकि गाइस इस साल क्रैकर्स के जो प्राइस है वो बढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यह 100 रुपये में परचेज किया। तो चलिए गाइस अब इसकी भी टेस्टिंग देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है। जैसा कि गाइस आपने इसकी टेस्टिंग वीडियो देखी ली है, जो कि काफ़ी अच्छा चला यह है। अनार 100 रुपये के बजट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सही चल गया गाइस। इसकी हाइट जो थी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली, लेकिन इसका रनिंग टाइम जो है थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी बहुत सही अनार है गाइस। तो चलिए गाइस हम अब अपने अगले क्रैकर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये श्री राजेश्वरी ब्रांड की ओर से आने वाला डग ब्रांड, जो कि है इस पर इसका ट्रेडमार्क टू साउंड पटाखा। बात करें गाइस इसके प्राइस की, तो ये मेरे को 30 रुपीज में मिला है गाइस। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो कुछ इस प्रकार के छोटे वाले स्काई शॉट होते हैं गाइस, जो कि ऊपर आसमान में जाकर ब्लास्ट होते हैं, और इनका कुछ ग्रीन कलर का इफेक्ट होता है गाइस। तो चलिए अब इनकी भी टेस्टिंग वीडियो देख लेते हैं। तो जैसा कि गाइस आपने देखा, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है, जो कि आपको 30 रुपये में देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइस अब अपना अगला प्रोडक्ट देखते हैं। तो गाइस अगला प्रोडक्ट है हमारा ये रॉकेट, जो कि किसी लोकल ब्रांड की ओर से आता है गाइस, और मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। ये देखिए गाइस, बात करें इसकी प्राइस की, तो इस पर जो प्राइस है गाइस 650 रुपये लिखे हैं, लेकिन मैंने जो है इसको 50 रुपीज में परचेज किया है। तो चलिए गाइस इसको ओपन करके देखते हैं कैसे हैं इसमें रॉकेट्स। ये देखिए गाइस, इसमें कुछ इस प्रकार के आपको रॉकेट देखने को मिल जाते हैं, जिनकी क्वालिटी जो है ठीक ठाक है गाइस। 50 रुपीज के हिसाब से बच्चों के लिए ये ठीक रहेंगे। तो चलिए गाइस अब इनकी भी टेस्टिंग करके देख लेते हैं कैसे चलते हैं ये। तो जैसा कि गाइस आपने देखा, यह जो है बच्चों के लिए ही है, इसमें आपको कोई भी पटाखा देखने को नहीं मिलता है गाइस, ये खाली ऐसे ही आसमान में जाते हैं बस। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले पटाखे की ओर, जो कि है गाइस ये
अम्बे ब्रांड की ही स्पार्कलर्स जिसके ये अनार आपने अभी देखे थे। तो बात करें गाइस इसके प्राइस की, तो इस पर जो है इस पर तो गाइस प्राइस ही नहीं लिखा है, लेकिन मैंने इसका एक बॉक्स जो है गाइस 20 रुपीज में परचेज किया है और इसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार के 15 cm के 10 पीस देखने को मिल जाते हैं गाइस स्पार्कल्स के, जो कि काफ़ी अच्छे स्पार्कल्स हैं। ये मैंने इसकी टेस्टिंग वीडियो करके देख चुका हूँ गाइस, तो चलिए गाइस आपको भी दिखाते हैं इसकी टेस्टिंग करके कैसे चलते हैं ये स्पार्कल्स। और मैंने इसके 2 बॉक्स लिए हैं गाइस 40 रुपीज में। तो गाइस अगला आइटम है हमारा ये अशोक ब्रांड की ओर से आने वाली ये स्पार्कलर्स गाइस, प्रीमियम स्पार्कलर्स अशोक। तो गाइस ये भी एक ग्रीन क्रैकर है और गाइस इस पर जो प्राइस लिखा है वो है 109 रुपये, लेकिन मैंने इसको 30 रुपीज़ में परचेज किया है गाइस। तो इसको ओपन करके देखते हैं गाइस इसमें कैसी स्पार्कलर्स निकलती हैं। गाइस ये कलर स्पार्कलर हैं और ये जो है 50-50, यानी कि इसमें 50 यानी कि आधी येलो और आधी स्पार्कलर्स रेड कलर की हैं गाइस। ये देखिए कुछ इस प्रकार के आपको इसमें थैली के अंदर जो है 7 cm की स्पार्कलर्स देखने को मिल जाती हैं गाइस। इस पर लिखा भी है, ये देखिए गाइस 7 cm अशोक 50-50 प्रीमियम स्पार्कलर्स, जो कि कुछ इस प्रकार के स्पार्कलर्स हैं गाइस। इसमें कुछ स्पार्कलर्स जो हैं, कुछ हमारी की फुलझड़ियाँ हैं वो येलो चलती हैं और कुछ हमारी फुलझड़ियाँ रेड कलर की चलती हैं गाइस। तो चलिए इनकी भी टेस्टिंग करते हैं कैसी चलती हैं ये फुलझड़ियाँ। आप चाहें तो गाइस इसमें ग्रीन कलर भी आता है वो भी ले सकते हैं। मैंने इसके भी 2 बॉक्स परचेज किए हैं जो कि मुझे 60 रुपीज़ में पड़े हैं गाइस। और ये देखिए गाइस इसको बीडी बॉम्ब भी कहते हैं। इसकी पैकिंग आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है गाइस, लेकिन अंदर से पटाखा बिल्कुल सेम होता है। ये देखिए गाइस कुछ इस प्रकार के इसमें पटाखे देखने को मिल जाते हैं आपको। इसको जो है यहाँ पे जो इसकी येलो वाली साइड है, यहाँ से इसको ऐसे रब करना होता है, फिर इसमें आग लग जाती है और फिर इसको फेंक देना होता है गाइस। इसे आप पानी में भी बजा सकते हैं, इसकी टेस्टिंग वीडियो चैनल पर पड़ी है। तो ये गाइस मुझे एक 20 रुपीज की एक डिब्बी मिली है गाइस, ये जो है बीडी बॉम की। ये भी काफी अच्छे क्रैकर्स हैं, किट क्रैकर्स। तो गाइस अगला आइटम जो है हमारा वो ये है गाइस, कॉक ब्रांड 10 वाला जाइंट चौरसा। गाइस इनकी आवाज़ जो है हमें काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिल जाती है गाइस। अगर आप ये चाहें तो ये ले सकते हैं, ये मुझे एक 10 रुपीज की पड़ी है गाइस। और अगर आपको ये नहीं लेना हो तो आप 28 वाली भी लड़ी ले सकते हैं, जो कि आपको 12 से 15 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इसकी भी आप टेस्टिंग वीडियो कर लेते हैं। अगर मैं चाहता गाइस तो आपको 500 रुपये में बहुत ज़्यादा ढेर भी ला कर दे सकता था, दिखा सकता था, लेकिन गाइस क्या फ़ायदा ऐसे क्रैकर्स का, तो चले ही ना ढंग से और अच्छे से, आपको मज़ा ही ना आए। ये सारे ऐसे क्रैकर्स हैं गाइस जिसमें आपको मज़ा आएगा। तो गाइस हमारा जो एक प्रोडक्ट है जो कि रह गया है वो ये है ड्रैगन फाइट कलर, जो कि एक चटर पटर है गाइस।
और ये कुछ इस प्रकार की आपको इसमें चटापटर्स देखने को मिल जाती हैं गाइस। इसमें आपको 10 पीस देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने इसके कुछ पीस टेस्ट करके देखे गाइस, और इसमें जो प्राइस लिखा है वो इसमें लिखा है 480 रुपये, लेकिन मैंने इसको 30 रुपीज़ में परचेज़ किया है गाइस। और ये चटापटर एकदम बेकार है, इसको मत लेना। अगर आप चाहें चटापटर लेना तो इसके बजाय कोई और से चटापटर ले लेना गाइस, क्योंकि आपको 30 से 40 रुपीज़ की रेंज में देखने को मिल जाएगी। तो इसकी भी आप देख ही लीजिएगा इस टेस्टिंग वीडियो कैसी चलती है ये चटापटर। आज की हमारी वीडियो एंड होती है, और अब मैं जल्द से जल्द 1000 रुपीज़ वाला स्टैच भी लाने वाला हूँ टेस्टिंग के साथ ही, जैसे कि वीडियो में दिखाई मैंने टेस्टिंग भी और इस स्टैच भी। तो चलिएगा इस वीडियो को एंड करते हैं।